बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, तो न्यूनतम उम्र निर्धारित किया 14 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो ये थे अरविंद घोष। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका नाम था, तो ये थे लुई फिशर। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, तो ये थी की थी गवर्नर जनरल ने। राह का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ये संबंधित है संगनकल्लू से। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो ये आए थे उदयन के समय में, और उदयन ने ही पहले पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन हमेशा पूछता ही रहता है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने, लेकिन वो समझ नहीं पाया था उसके महत्व को। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है, तो मास्की का लघु शिलालेख में जो है अशोक नाम उल्लिखित है। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, तो ये किया था मौर्यों ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, तो ये एक खैराती अस्पताल था। संगीत यंत्र तबला का प्रवचन किया है, तो ये किया है अमीर खुसरो ने। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जौनपुर को। देखिए, इस रिकॉर्डिंग के दौरान मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से जितने क्वेश्चंस हमने जो आपको दिया है या भी मैं दूंगा या दे रहा हूँ, ये हमने जो बीपीएससी के जो 10 साल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, उसको एनालिसिस किया है। जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको लिया है, और जो क्वेश्चन बिल्कुल इरिलेवेंट हो गए, जैसे कि झारखंड बट गया, या 2001 का जो जनसंख्या का डेटा था जो अभी हमारे काम का नहीं है, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। जो अभी एग्जाम्स में आ सकते हैं उसी का गेस दिया है हमने, और पूरे अच्छे तरीके से दिया है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो ये थी गुलबर्गा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हेलीबीड और बेलूर में। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है। हम जानते हैं कि रेड ब्लू और ग्रीन है ना, ये RGB ये सब प्राथमिक रंगों में हैं आते हैं, तो पीला तो नहीं है, रेड ब्लू और ग्रीन होना चाहिए था, है ना। इसमें देखिए थोड़ा सा RGB ही प्राइमरी कलर्स हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को हटा दीजिए। गर्म करने से विस्तारण, तो पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। अति चालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसे लाखों रुपए की बचत हो, तो यह है सामान्य ताप पर। अति चालकता सामान्य ताप पर हो सकती है, जिससे कि बिजली अच्छे तरीके से घरों में आएगी और काफ़ी बचत होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो यह है कैल्शियम सल्फेट। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है, तो वह है ब्रोमीन। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, तो यह है शहद। शहद सबसे अधिक श्यान है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं केराटिन। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, तो इंसुलिन और ग्लूकागन नहीं बनेंगे। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, तो यह है एक अमीनो अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होती है, तो यह है हेपेटाइटिस। जनवरी 2019 में हरियाणा के नरवाल खाप में किसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया, तो दहेज और शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। देखिए, खाप पंचायत जो है ना, उसकी काफ़ी निंदा भी होती है, क्योंकि खाप ने कई सारे सख्त निर्णय लिए हैं, जैसे कि समगोत्री शादी पर हत्या करवा देना वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ अच्छे निर्णय में से इसको शामिल किया जा सकता है। खाप जो है ना पंचायत होता है, जातीय पंचायत होता है वो।
बेशरम उपन्यास के रचयिता कौन है? तो यह है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जो है वो बांग्लादेश मूल की बहुत मशहूर लेखिका है, भारत में रहती हैं वो। गांधी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ प्रयागराज में। भारत आसियन पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई वियतनाम में। यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है रियो डी जेनेरियो को। जनवरी 2019 में वैश्विक विश्वसनीयता सूचकांक में भारत किसका विश्वसनीयता में सबसे कमजोर रहा? तो ये रहा कारोबारी ब्रांड में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 के अवसर पर कौन सी त्रैमासिक पत्रिका जारी की गई? तो ये थी माई वोट मैटर्स। किस राज्य ने एसिड अटैक के पीड़िताओं को 5,000 से 9,000 मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है हरियाणा ने। भारत सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाने पर विचार किया जा रहा है? तो ये लेह में लगाया जाएगा। हाल ही में नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया विजन 2040। ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है 80वीं। भारतीय खान पान से संबंधित देश का पहला संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा नोएडा में। दृष्टि बाधित लोगों को आसानी से करेंसी नोट के मूल्य निर्धारण में सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप है रोशनी। आधुनिक सिंगापुर के स्थापना के कितने वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सिंगापुर लाइट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो टोटल जो है 200 साल पूरा होने पर। किस राज्य द्वारा 26 जनवरी 2019 को युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पहले आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये है अपर्णा कुमार। उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान किस जिला में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पिथौरागढ़ में। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो यह है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य 2030 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा मुहैया कराना है? तो यह है 1,000 गीगावाट। अंतरिक्ष में सर्वाधिक सैटेलाइट भेजने वालों में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 7वें स्थान पर। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है रांची में। ये सब बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं, लेकिन आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बीपीएससी इतने छोटे फैक्ट ही पूछती है, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या बीएसएससी हो। ओलंपिक खेलों में भारत में कितना स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते हैं 8। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी से संबंधित। भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1968 में। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने लाख परिवारों की आजीविका का साक्ष्य साधन हाथ से मैला ढोना है? तो देखिए ये काफ़ी बुरा है, ये दरअसल 1.8 करोड़ के लगभग है, और महाराष्ट्र में ये कुप्रथा बहुत ज़्यादा है, बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। व्यापार हेतु आए फ्रांसीसियों का भारत से पूर्ण पलायन कब हुआ? तो ये हुआ 1954 में। निम्न में से किसका मुख्यालय जेनेवा नहीं है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जेनेवा नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी रचना है? तो ये रचना है लाल कृष्ण आडवाणी की। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं? तो उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। निम्न में से किसे टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो ये घोषित की गई थी 1948 में। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1957 में।
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की संस्था द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, तो ये प्रकाशित किया जाता है अंकटाड द्वारा। भारत में कौन क्रिकेट रेटिंग एजेंसी है, तो ये है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये, दरअसल क्रेडिट देती है कि हाँ इसके ये वैल्यू है, जिससे लोन मिलने में और बाकी कारोबार करने में आसानी हो जाती है, तो ये है क्रिसिल, केयर और इक्का, ये तीनों हैं इकरा, क्रिसिल और केयर। पूंजी बाजार से आशय है, शेयर बाजार से आशय है पूंजी बाजार। भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी था, तो ये थे जेम्स विल्सन। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो ये संबंधित है भुगतान संतुलन से। भारत में किस ईंधन का सर्वाधिक रिजर्व है, तो कोयला का जो है भारत में सर्वाधिक रिजर्व है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की के स्थापना की गई, तो ये स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये सत्य सही नहीं है। बाकी जो सही है वो मैं बता देता हूँ। पश्चिमी घाट में अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है और ये अमरकंटक से निकलती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, वह है केरल एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, तो मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं और सेवड़ाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊँचाई क्या है, तो यह है 1365 मीटर। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाएगा, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो अम्लीय मिट्टी जो है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। ऐसी मिट्टी असम में बहुतायत में है, इसलिए वहाँ पर चाय बागान है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। फसल चक्र आवश्यक है, तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है, तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था जिससे मंत्रियों की संख्या जो है सीमित कर दी गई है। सिक्किम एक नया राज्य बना, तो ये नया राज्य बना है 36वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है, बाकी उर्दू, नेपाली और कोंकणी है। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, तो यह हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से। विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है, तो विधान परिषद जो है मनी बिल के अलावा जो और कोई साधारण विधेयक है उसको 4 माह तक रोक सकती है। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा, तो उसमें एक इशू है जैसे कि पद एवं गोपनीयता की वित्त मंत्री जो है वो शपथ लेते हैं, तो शपथ भंग हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। सत्यात प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शारदा एक्ट संबंधित था, तो ये शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। देखिए रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी उनका नाम था शारदा मणि, तो रामकृष्ण परमहंस 20 साल के ऊपर थे और शारदा मणि की उम्र 5 साल थी,
तो देखिए मैं कुछ इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपको फैक्ट कोरिलेट हो। तो शारदा मणि 5 साल की थी, उनकी शादी 20 साल से ऊपर से कर दी गई थी, तो बाल विवाह को इस तरीके से शारदा एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो आप इस तरह से कोरिलेट कर लें, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने साबित कर दिया कि लॉर्ड डफरिन डफड़ है। तो देखिए इस तरह का फॉर्मूला बनाइए, याद रख लीजिए। बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस तिथि से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है 1 अप्रैल 2019 से। बिहार के किस स्थान पर डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कराया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा मुंगेर में। बिहार का दूसरा ODF जिला कौन है? तो यह है शेखपुरा। दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना लागू करने में सबसे आगे कौन सा जिला रहा? तो ये रहा है नालंदा। दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना लागू करने में सबसे पिछड़ा जिला कौन रहा है? तो ये रहा है पूर्णिया। राजगीर के मकर मेला को राजकीय मेला का दर्जा कब प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया 5 मार्च 2019 को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम विद्यापति के नाम पर होगा? तो ये दरभंगा का नाम जो है वो विद्यापति के नाम पर होगा। बिहार के निम्न में से किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए सिल्वा खाजा को दिया गया है, शाही लीची को और कतरनी धान को, जरदालू आम को और मगैया पान को। इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में बिहार की विकास दर कितनी रही? तो ये रही है 11.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार को कब तक टीवी मुक्त करने का संकल्प लिया गया है? तो ये 2025 तक बिहार को टीवी मुक्त कर दिया जाएगा। बिहार को कब तक टीवी मुक्त करने का संकल्प लिया गया है? 2025 तक, हमने रिपीट कर दिया इसको। पद्मश्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित निम्न बिहारियों में से किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए इसमें से लगभग सबका मिलान जो है वो सही है। निम्न में से कौन रवीश कुमार की रचना नहीं है? तो देखिए इश्क में सहर होना और देखते रहिए, ये सब है, इसलिए एक से अधिक होगा। बिहार राज्य पोषण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्रेयसी सिंह को। बिहार के किस शहर में दिव्यांग फ्रेंडली बसें चलाने के लिए राशि आवंटित की गई है? तो ऐसा किया गया है पटना में। ऑल इंडिया डबल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ पटना में। बिहार का पहला मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहाँ खोले जाने की संभावना है? तो ये कड़कटगढ़ कैमूर में ये खोला जाएगा। देश के 10 सबसे गंदे रेलवे स्टेशन में पटना जंक्शन का कौन सा स्थान है? तो दुर्भाग्यपूर्ण इसका दूसरा ही स्थान है। गंगा नदी के किनारे बसे 97 शहरों में से 10 शहरों को गंगा नदी के 70% प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया गया है, इसमें बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो ये शामिल है पटना। गंगा नदी के किनारे बसे 97 शहरों में से 10 शहरों को गंगा नदी के 70% प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया गया है, इसमें बिहार का कौन सा शहर सम्मिलित है? तो देखिए पटना भी है और दूसरा भागलपुर भी है, इसलिए इसका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, है ना, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार विद्यालय ने प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है, दरअसल एक साथ कई इसके हैं, जैसे कि बाल विवाह कम करने के लिए और कम अंतराल पर बच्चे के जन्म को रोकने के लिए, ये दोनों ही इसका कारण होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार सरकार ने कितने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 66 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। मोना दास को अमेरिका के वाशिंगटन राज्य का सीनेटर बनाया गया है, यह कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये बिहार की रहने वाली हैं और इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो होगा मुंगेर। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कितने वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 15 वर्ष से ज़्यादा होगा तो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है।
बिहार सरकार ने कितने प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ये किया है 20 लाख। बिहार में किस स्थान पर 15 करोड़ की लागत से वातानुकूलित गर्ल्स ITI बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सहरसा में। बिहार के किस जिले में मरंग स्थित बकरी पालन सह प्रजनन केंद्र में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश का सबसे बड़ा फ्रोजन सीमेन स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पूर्णिया में। बाल श्रमिकों की संख्या के लिहाज से बिहार किस स्थान पर है? तो वो तीसरे स्थान पर है। सूखाग्रस्त किसानों को कितने रुपए का अनुदान बिहार बजट 2019-20 में दिया गया है? तो ये दिया गया है 1420 करोड़ का। बिहार बजट 2019-20 में बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है सभी ज़िलों में। तो देखिए, अभी ऐसा करते हैं कि अभी इतना ही रहते हैं, 30 तक के क्वेश्चंस को रखते हैं ताकि PDF को आगे रिकॉर्ड करने में सुविधा हो जाए। तो अभी हमने पेज नंबर 478 से लेकर के 600 तक को हमने कवर किया है। तो आप देख लीजिए कितने हो गए, अभी 122 क्वेश्चंस इसमें हैं, साथ में हैं। कुछ क्वेश्चंस कम या ज़्यादा भी होंगे। देखिए, आप ये सारे क्वेश्चंस है ना, इसको रेगुलर वे में पढ़िए। मैं कल 1 सितंबर से उम्मीद है कि मैं उसको PDF को दे दूंगा। अब आगे जो वीडियोस आएगी ना, सब में PDF के लिंक भी मैं देता चलूंगा। वैसे मैं जल्द ही वो सारा कुछ तैयार कर लिया है मैंने। अभी के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होते हैं नए सेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।